T20I डेब्यू पर इस लेग स्पिनर ने किया धांसू प्रदर्शन। पाकिस्तान और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच शुरू हुई T20 सीरीज में 24 मई से शुरू इस सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की ओर से दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, जिसमें एक की किस्मत चमक गई वहीं दूसरे का इंतजार बढ़ा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की दो खिलाड़ी तुबा हसन और गुल फिरोजा की। इसमें गुल फिरोजा की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही जितनी तुबा हसन की रही। तुबा हसन ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करते हुए 8 रन पर उसके मिडिल ऑर्डर का नाश कर दिया। वहीं गुल फिरोजा जब बल्ला लेकर ओपनिंग करने उतरी तो उनका खाता भी नहीं खुला। T20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को इतने कम स्कोर पर रोकने में इसलिए कामयाब रही क्योंकि उसके गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। खासकर तुबा हसन ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। 21 साल की लेग स्पिनर तुबा हसन ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 8 रन देकर श्रीलंका के पूरे मिडिल ऑर्डर को साफ कर दिया। उन्होंने 3 विकेट श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर के अकेले गिराए। इन 3 में से 2 विकेट तो उन बल्लेबाजों के विकेट रहे जो जम चुके थे और श्रीलंकाई टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे। तुबा हसन ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और कुल 24 गेंद फेंकी, जिसमें 17 गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजों को कोई रन नहीं बनाने दिया, वो डॉट गेंदे रहीं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।